अस्सलाम वालेकुम। मैं हाफिज़ बाबा नगर की रहने वाली हूँ। मेरी बच्ची का 3 साल पहले घुटनों में क्लीपा दलाए थे, वो निकालने का है। बहुत दर्द में है नू, उनको चलने नहीं आ रहा, वो उससे तकलीफ से। डॉक्टर जल्दी से जल्दी निकाल देना बोले इनको। मैं बहुत परेशान हाल हूँ, ये बच्ची का ऑपरेशन कराने का है। मैं बहुत मजबूर हूँ, हमारे शौहर का भी कारोबार नहीं चल रहा कुछ भी लॉकडाउन की तरफ से। मैं बहुत मजबूर हूँ, ये बड़ी बच्ची है मेरे घर की। ये बच्ची के बहुत घुटनों में बहुत दर्द है ये बच्ची को, और चल भी नहीं सकती ये बच्ची। अब ये बच्ची के ये क्लीपा निकाले बाद में और एक ऑपरेशन करते करते, वो ऑपरेशन के लिए मेरे खाने पैसे नहीं है, मजबूर हूँ मैं, मेरे को पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप मदद करें तो मैं आपके लिए दुआ करूँगी हर वक्त नमाज़ों में। ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये की ज़रूरत है इनको, ग्लूकोज और एक्सरे वो ये कराने के लिए भी बहुत ज़रूरत है मेरे को। ये मजबूर बच्ची है ये आपकी, जब तक भी बच्ची रहेंगी जब तक दुआ देते रहेंगी बच्ची, जब तक बड़ी होते रहेंगी आपके लिए दुआ करते रहूंगी मैं, जिंदगी भर आपकी मशहूर रहूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। मैं आपकी बहन सैयद नाहिदा खदरी, इस वक्त मैं बाबानगर आई हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक मजबूर माँ है जिनकी बेटी है, बच्ची घर की बड़ी बेटी है इनकी। ये बच्ची को 3 साल पहले ऑपरेशन करके बच्ची के पैरों में घुटनों में क्लिप डाला गया था, दोनों घुटनों में क्लिप लगाया गया था बच्ची के। ये आप देख सकते हैं दोनों पैर के ऑपरेशन करके ये क्लिप लगाया गया था पैर, लेकिन ये बच्ची इस वक्त इतनी तकलीफ में है कि इसके पैरों में दोनों पैरों में तकलीफ हो रही है। 3 साल से क्लिप में है बच्ची, अब बच्ची को चलना भी नहीं आ रहा है। तो बस ये इसकी डॉक्टर जब इनके कहा कि डॉक्टर ने कहा कि इनको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, इनकी माँ को 25,000 रुपये के ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये की मदद की जरूरत है। आप लोग देखिए इस बच्ची की अगर जाहिर सी बात है मदद करेंगे तो आप लोग बराबर इनकी दुआ लगेगी। मैं पूरी इंक्वायरी कर चुकी हूँ, ये लड़की की वालदा का आधार कार्ड है, लड़की का आधार कार्ड है, और ये डॉक्टर की रिसिप्ट मेरे पास है, पूरा जो बच्ची का ट्रीटमेंट चल रहा है पूरी चिट्ठियाँ मेरे पास है। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अगर बच्ची के लिए इंतजाम करेंगे 25,000 रुपये का तो बेहतर रहेगा। आप लोग 1,000, 2,000, 5,000 भी दे सकते हैं, डायरेक्ट भी अगर आप मिलकर देना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी इनसे मिलकर इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन जो है जल्द से बच्ची का करवाना है। ऑपरेशन डॉक्टर के पास हमको पूरा पैसे इनको पे करना है, ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये इनके डॉक्टर ने कहा है। अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट भी आकर बच्ची का ऑपरेशन करवा सकते हैं, डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन भी करवा सकते हैं आप लोग। डॉक्टर के पास हो सका तो अगर आप डॉक्टर से मिलकर ऑपरेशन करवाना चाहते हैं ऑपरेशन भी करवा सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके अगर बहन की मदद हो जाएगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी दुआ लगेगी, क्योंकि इनकी घर की बड़ी बच्ची है ये। तो बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 जो भी आपसे हो सका इनके लिए जल्द से जल्द अगर मदद करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त बच्ची इतनी तकलीफ में है, बच्ची को चलना नहीं आ रहा, बहुत तकलीफ में। सोचिए हमें एक अगर सुई भी चुभ जाती है हमारे पैर में, एक कांटा भी चुभ जाता है तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। ये बेचारी लड़की पिछले 3 साल से पैरों में, दोनों पैरों में उसको स्क्रू से फिट करके क्लिप डाला गया है, दोनों पैर की घुटनों में सेट में। तो सोचिए बच्ची को अब कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही होगी, कितनी बेचारी तकलीफ में है ये। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे बच्चों की अगर तकलीफ हम महसूस कर सकते हैं तो आप अपनी बहन या अपनी घर की बेटी समझकर इसके लिए मदद कर सकते हैं। और खासतौर पे मैं आप लोगों से एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि देखिए कई सारे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, कुछ ऐसे बदतमीज लोग हैं जो लड़कियों औरतों के नंबर पर कॉल कर उन्हें गलत बातें कर रहे हैं, उनके साथ गंदी बातें कर रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूंगी जो मदद करना चाहते हैं, वाकई में आपको किसी को मदद करना है तो ही आप कॉल करिए। देखिए आप लोग नंबर पूछते हैं, औरत का नंबर दीजिए हमको, बच्ची का नंबर दीजिए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। नंबर लेने के बाद में उनसे बेहुदा बातें करना, उनसे गंदी बातें करना, ये कहां तक सही है? किसी की औरत बच्ची को, किसी की औरत को अपनी बहन समझना बहुत बड़ा बात है, लेकिन आप लोग उस चीज का नाजायज फायदा उठाते हुए बात, ऐसे बेवकूफ लोग हैं। मैं उन गलत लोगों के लिए अपनी बात कर रही हूं जो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, बच्चियों के नंबर लेकर, औरतों के, बेवा औरतों के नंबर लेकर उनसे फोन पे बात करना, उनसे गलत अंदाज में उनसे गुफ्तगू करना, इस तरीके का गलत तरीका है। क्योंकि आप लोग जब कोई मजबूर औरत, सोचिए कोई मजबूरी में अपना वीडियो बनाती है, कोई मजबूरी में बेचारी एक हाल में अपनी तकलीफ सुनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके साथ गलत गुफ्तगू करें या उसका फायदा उठाए कोई इस बात का। तो बस जो भी औरत जब बेवा हो या कोई मजबूर लड़की होती है तो आप उसे अपनी बहन समझिए, अपनी माँ दाखिल समझिए, अपनी बड़ी बहन समझिए, छोटी बहन समझ के उसकी मदद करने की कोशिश करिए, ना कि उसका नंबर लेकर उसे गलत बातें करना, उसके साथ गलत गुफ्तगू करना, ये गलत है। क्योंकि अल्लाह भी आपकी इस हरकत से नाराज होगा, और यकीन मानिए बहुत ही बड़ा गुनाह अजीम है आपके लिए। तो बस मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इनके लिए मदद करना चाहते हैं आप लोग डायरेक्ट भी आकर दवाखाने में मिलकर इनसे, जैसे कि डॉक्टर ऑपरेशन भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट आप लोग इनसे मिलकर भी इनकी मदद कर सकते हैं, और यकीन मानिए अल्लाह ताला आप लोगों को बराबर इसका अजर सवाब देगा। क्योंकि एक माजूर बच्ची को चलना आना है, उसको अगर हम चलाएंगे जगह से उठाकर जब वो चलेगी तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी इनकी बराबर दुआ लगेगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद।